नरसिम्हानंद सरस्वती जी अब्दुल्ला सालिम की तरफ से ओपन चैलेंज है, आओ मैदान में, आओ नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मैं तुम्हें तुम्हारे सर से लेकर पैर तक इतने श्लोक मंत्र पढ़ूंगा कि तुम दफन हो जाओगे। तुमने जिस नबी को गलत कहा है, जिस नबी के पैगाम को तुमने झुटलाने की कोशिश की है, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि कुरान पढ़ने से तुम्हारे पेट में दर्द होता, हदीस पढ़ने से तुम्हारे पेट में मरोड़ पैदा होता, इसलिए तुम्हें अपने सभा, तुम्हें अपने ग्रंथों की रोशनी में ये अब्दुल्ला समझाएगा, अगर नहीं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अपने खुदाओं को जो तुमने खुश करने के लिए नबी को कहा जिहादी थे, नबी को कहा कि वो गलत थे, वो गलत पैगाम देते थे, तो क्या है इन मंत्रों का मतलब, क्या है इसका मतलब? आज्ञा हुद्हुद्वा इल्लो रसूल सूर्य सर्व नक्षत्र, क्या कहा गया? या तो युवम भुवम देवा स्वयं शावतरने रतः, क्या मतलब है इस मंत्र का? अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेगावा चैतिष्टो अशुरो मगोना, क्या मीनिंग होता है नरसिम्हानंद सरस्वती जी? कयामत तो आ सकती है, तुम कुरान को, शरीयत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को झुटला नहीं सकते। बता देना अपने डुप्लीकेट खुदाओं को कि अब्दुल्ला खड़ा है सीमांचल में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र पर एतराज करोगे? आई एम ओनली स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट टू रिमूव एक्सप्लेन योर मिसअंडरस्टैंडिंग। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला मुहाफिज है, कुरान की हिफाजत करेगा, नबी के चरित्र की हिफाजत करेगा। तुम जैसे शराबी और कबाबी की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को, उनके मानने वालों को कोई बदनाम नहीं कर सकता। नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने आपके नबी पर, आपके मोहम्मद पर इल्जाम लगाए, आप कैसे जवाब दोगे बताओ? वो तो टीवी के मंच पे बैठकर, वो तो मीडिया वालों के सामने बैठकर ये कॉन्फ्रेंस करता कि भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी मोहम्मद थे और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने अपने जिसके यहाँ नौकरी करते थे उसका कत्ल किया और उसके घर के ऊपर कब्जा किया और उसकी बीवी का दमन किया, उनका तो ये कहना, आप कैसे जवाब देंगे? तो देयर फॉर एट दिस टाइम यू हैव टू, यू शुड टू एजुकेट, यू विल बी एजुकेटेड, आपको उस वक्त में जानकार होना जरूरी। अगर आप जानकार हैं तो आप नरसिम्हानंद सरस्वती जी को कहोगे कि सर आप हमारे नबी पर एतराज मत कीजिए, हमारे नबी को जिहादी मत बोलिए, हमारे नबी को गलत मत कहिए, हमारे कुरान पर एतराज मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि ये कुरान या नबी या शरीयत गलत नहीं है, इसमें कोई भी बातें गलत नहीं लिखी गई। अगर आपको लगता है कि गलत है, बोलो पढ़ो कहाँ पर गलत लिखा हुआ, किस जगह पर लिखा हुआ। दुनिया की ऐसी कोई किताब, कोई शरीयत, कोई निज़ाम नहीं है जो बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म हो, एक वर्ड से लेकर 3,22,000 अल्फाज तक। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं जिसकी किताब महफूज हो। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर आपको एतराज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, अगर आपको एतराज़ है कुरान पर, अगर आपको एतराज़ है जिहाद पर, नौजवानों कैसे जवाब दोगे उनका बताओ? आप कैसे जवाब दोगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी का? हम जानते हैं कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने पुराण को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अपने वेदांत को नहीं पढ़ा है, उन्होंने गीता को नहीं पढ़ा है। अगर गीता को पढ़ा होता तो वह एतराज नहीं करते, इसलिए कि गीता में कृष्ण जी ने कहा है तस्माच्छास्त्रम परमानंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो गिना तुमा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम मेहरसी। ऐ दुनिया वालों, अपनी तरफ से कोई बकवास मत करना, अपने गुरु के तरफ से अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए तुम कभी भी अपने ग्रंथों को पसे पुष्ट मत डालना, बल्कि अपने ग्रंथों को खोल कर देखना वहां पर क्या पैगाम लिखा है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिहादी कहने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती जी अब्दुल्ला सालिम की तरफ से ओपन चैलेंज है, आओ मैदान में हम आपको बताएंगे। आप अगर आपको अगर एतराज हो, हम कहेंगे कि कुरान देखो, तो नरसिम्हानंद जी बोलेंगे कि हम कुरान को तो मानते नहीं मौलाना अब्दुल्ला। हम कहेंगे आओ हदीस देखो, वो कहेंगे कि मौलाना हम तो बुखारी को नहीं मानते, हम तो मुस्लिम को नहीं मानते, हम तो इब्ने माजा को नहीं मानते, हम तो तिर्मिजी को नहीं मानते, हम तो अबू दाऊद को नहीं मानते, हम तो नसई को नहीं मानते। हाउ कैन आई प्रूफ, हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? वो कहेगा कि दीज बुक्स आर नॉट एबल टू बिलीव ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, हमारी तरफ से इन किताबों को हम ऑथेंटिक नहीं मानते। वो कह देगा तो कैसे जवाब दोगे मेरे भाइयों, कैसे समझाओगे? आप लाख कहोगे कि भाई हमारे नबी को गलत मत बोलो। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में, उनकी शरीयत में एक रास्ता है, एक पैगाम है, एक सही सिस्टम। मोहम्मद को कायनात के तमाम मखलूकात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस्लाम का पैगंबर कहा गया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि वकफा बिललाहि शहीदा वलौ करिहल काफिरून। मुशरिक लोगों के पेट में दर्द हो तो होने दो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे इस धरती पर अमन और इस्लाम का वैदानियत के प्रचार के लिए। ये तो कुरान कहता है, बट नरसिम्हानंद सरस्वती जी एंड ही डोंट ही डजंट बिलीव इन कुरान, इन 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 बुखारी, इन मुस्लिम, इन साय सित्ता, इन शरिया, इन ही डजंट बिलीव, वो तो एतबार और विश्वास नहीं करता। तो कैसे जवाब दोगे? तो हम कहेंगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी आइए आप मैदान में, आइए हम आपको जवाब देते हैं। आप क्या बोले कि मोहम्मद थे पहले जिहादी थे, उन्होंने आकर दुनिया में 1,24,000 जिहादियों को पैदा किया। वो जिहाद करते थे, वो जिधर जाते थे माओ बहनों की इज्जत लूटते थे, वो जिधर भी जाते थे तो उधर यतीम और बेवा और नाजायज फसादात बर्पा करते थे, खून की नदियां बहाते थे। हम कहेंगे नरसिम्हानंद सरस्वती जी आपको शायद गलत तालीमात दी गई, आपको आपके खुदा ने गलत तालीमात और गलत पैगाम दिया। हम कहेंगे कि आओ हमारा कुरान मत देखो, हम उनसे कहेंगे आओ तुम अपने ग्रंथ को ही देख लो, तुम्हारे ग्रंथ के अंदर जिस नबी के बारे में आपने गलत बयानी की, उस नबी के पैदाइश का तज़किरा आपके किताब में मौजूद है। वो नबी का घर कहाँ होगा, उनका पूरा एड्रेस आपकी किताब में मौजूद है। अगर आपको यकीन ना हो, अगर उस नबी के चरित्र को नहीं मानते हो, तो आओ तुम अपने ग्रंथ को भविष्य पुराण को उठाओ। भविष्य पुराण में कहा गया शंबल कराम दुखियस बराहमनयस घातमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। ऊंचे खानदान में अंतिम महर्षि पैदा होंगे। सोमति सुमति यानी था वैष्णवम, सोमति के कोख से विष्णु यश के जरिए से इस धरती पर अवतार लेंगे, अवतरित होंगे। उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा अंधकार से लोगों को निकालना। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हित तदोदयते विवेक। दुनिया के लोगों को अंधकार से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को शिर्क की दुनिया से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को जुल्म फसाद की दुनिया से निकालेंगे, दुनिया के लोगों को शराब जैसी बुरी बीमारी से उनको बचाएंगे, इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताएंगे। और क्या पैगाम बताया? वो आएंगे तो किस तरह की रोशनी फैलेगी? अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य इवा जानी। नरसिम्हानंद सरस्वती जी जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, लेकिन अल्फाज आपके ग्रंथ के हैं। आपने जिस नबी को गलत कहा है, आपने जिस नबी के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, उसी नबी की तारीफ तुम्हारी किताबों में मौजूद है, तुम्हारी ग्रंथों में मौजूद है। अपने ग्रंथ को एक बार पढ़ते,
उस नबी का मिशन क्या होगा। इतस्मिन्न तरे मलेच आचार्यन समन्विता महामद इख्यात शिष्यो साक्ष समन्विता, वो रेगिस्तान से आएंगे अपने कुछ लोगों के साथ, अपने चार लोगों के साथ आएंगे और लोगों को बताएंगे दिस वे इज अ पीसफुल वे, ये रास्ता अमन का रास्ता और ये रास्ता जहन्नम में जाने वाला रास्ता। और बताया कि उनके साथ कैसे लोग होंगे, बड़े हमदर्द लोग होंगे। नरसिम्हानंद सरस्वती जी तुम किताब लेकर बैठो, अब्दुल्ला सालिम पढ़ता जाएगा और तुम्हें बताता जाएगा और कहेगा चतुर्भिर भ्रातृ भिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। चार लोग होंगे, एक का नाम अबू बकर होगा, दूसरे का नाम उमर होंगे, तीसरे का नाम जुन्नुरैन होंगे, उस्मान होंगे और चौथे का नाम हजरत अली होंगे। चतुर्भिर भ्रातृ भिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, वो अमन की बात करेंगे। मोहम्मद के चले जाने के बाद दुनिया के अंदर इंसाफ का निजाम संतुलन कायम रखने के लिए इंसाफ की बात करेंगे। और फिर वो नबी जिसको आपने गलत कहा, नरसिम्हानंद सरस्वती जी मुझे शौक नहीं है आपके ग्रंथ को पढ़ने का, मैं जानता हूं अगर इतनी देर में कुरान पढ़ता तो मुझे सवाब मिलता, लेकिन आपके ग्रंथ पढ़ने से मुझे सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जानता हूं आपके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ, आपके दिमाग में जो गलत फहमी भरी हुई, उसको कम से कम निकलने के लिए रास्ता जरूर मिलेगा। आपने जिस नबी को गलत कहा, आपने जिस नबी को के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहे, पता है उस नबी का शान क्या है, उस अवतार का शान क्या है। नराशन महाप्रिय मसीयज्ञ, पूरी दुनिया के लोग महाप्रिय, पूरी दुनिया में वो प्रिय मित्र होंगे, वो लोग उनसे प्यार करेंगे, यानी इतना प्यार करेंगे कि अंग्रेज भी अपनी किताब में कहेगा द हंड्रेड बुक में कि 100 लोग है को मैंने जमा किया दुनिया में, लेकिन कायनात में नंबर 1 पर कोई इंसान है तो जात उस इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरसिम्हानंद सरस्वती जी आ उस नबी का तज़किरा आपके ऋग्वेद में मौजूद है, इदम जना उपशुरत नराशन सस्विष्यते श्रिष्टम सहस्तरा नवीतम चकोरम अरुशमी शुद्धाम है, दुनिया के अंदर और उस नबी का तज़किरा आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है नराशन संवाजिनम वाजन्नी शहीदीरम पूषणम सन्मय रथम न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मानो, विश्व सम्मानो, दुनिया के लोग उनको सम्मान देंगे, विश्व सम्मानो, पूरी दुनिया के अंदर उनका तज़किरा होगा और 24 घंटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। देखो पूरी दुनिया में 24 घंटे अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हैं, अजान के अंदर हम आवाज देते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। नरसिम्हानंद सरस्वती जी अगर अब भी आपको यकीन ना आया हो, अगर अब भी तुम्हारी गलत फहमी ना खत्म हुई हो, उठाओ और भविष्य पुराण को, उठाओ और महाभविष्य पुराण को जिसके अंदर इस नबी की सवारी का तज़किरा मौजूद। क्या कहा, उस तरह यस्य परवाही जो वधुमंत द्वीर दश वर्ष मारतश देविज हेरती देविष्माना उपस पुरुष, ऊँटनी के जरिए सवारी करेंगे और वो इतने खूबसूरत होंगे उनके चेहरे की रोशनी से, लोग उनके चेहरे की रोशनी को देखकर मुतासिर होंगे। और कहा विचरन न सुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंग ठेश्वर्य गुणन्विता असाधूत मन, दुश्मनों का हनन करेंगे, दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, नंगों को कपड़े पहनाएंगे, मजलूमों की दाद रसी करेंगे, जालिम लोगों के हाथ को पकड़ेंगे, लोगों के गलत अकीदे को दुरुस्त करेंगे और लोगों से कहेंगे एकम ब्रह्मा दुत्तियो नास्ते नेहना नास्ते किंचन। और उनका पैगाम आगे क्या होगा वो भी बताया, ऊँची आवाज में लोगों को बुलाएंगे, ऊँची आवाज में लोगों को मस्जिद के तरफ बुलाएंगे, लिंक चिदी शिखाहिना शिमश्शरुधारी शदूशका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं बिना कोलमच पश्वस्ते शाम भक्षयामताम मुस्लनेव संसकारा कोशेरी भविष्यति तस्मान मुस्लमंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चाद धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता।